तुम्हें YouTube चैनल, तो थैंक यू सो मच पहले तो कि मेरे प्रीवियस व्लॉग्स को आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा मतलब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है आप लोगों से। तो सडनली क्या हुआ कि खाना बनाने का वैसे भी मेरा मन नहीं होता, तो पापा भी आ चुके हैं, तो हमने सोचा कि हम चाप खाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से हमें बहुत ज़्यादा मन कर रहा है चाप खाने का। और बेस्ट एंड फेमस चाप खाने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंद्रापुरम जा रहे हैं, या मतलब शालीमार में, दिशा गार्डन में बहुत सारे चाप कॉर्नर है, वीर जी है, बीकानेर है, बहुत सारे हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंद्रापुरम की चाप पसंद है। हमें क्या, इनफैक्ट वहाँ के इंद्रापुरम वाले सब वहाँ जाके चाप खाते हैं। तो उस चाप कॉर्नर का नाम है चस्का चाप कॉर्नर। तो मिलते हैं फिर आपसे चस्का पे। और अगर आप ये चाप मिस कर रहे हैं, और तो आप बहुत बढ़िया चाप मिस कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी होती है। आप खुद देख लो, हम लोग शालीमार से इंद्रपुरम चाप लेने जा रहे हैं, तो कितनी अच्छी चाप होगी वो। तो मिलते हैं फिर आपसे चाप कॉर्नर पे, एंड पूरा लोकेशन वगैरह मैं सब आपको बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। ओके बाय बाय। अभी हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, बट कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। इफ़ अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के ट्रैवल कर रहे हो तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कहते। ये है चस्का चाप कॉर्नर, नीतिखंड इंद्रपुरम गाजियाबाद में, प्लॉट नंबर 136। यहाँ की चाप आप देख सकते हो, लाइक हेवन। चस्का स्नैक्स कॉर्नर, यहाँ के रेट तो मतलब बहुत ही सही है। कबाब वगैरह, हरियाली कबाब वगैरह सब मिलता है यहाँ पर, लाइक दिल खुश हो जाता है ऐसे ही वाली चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है खाने के लिए। मतलब मैं ज़्यादा जगह का ट्राई नहीं करती, बट यहाँ का अगर मैंने एक बार ट्राई करा है तो मैं बार बार यहाँ आती हूँ, लाइक बार बार। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। चस्का चाप कॉर्नर आ चुके हैं, ये यहाँ की सिटिंग मतलब खड़े होकर के आप इजीली खा सकते हो। बाहर आपको सारा सामान मिल जाएगा, सब आपको सर्विंग वगैरह भी मिल जाएगी। वैसे तो सेल्फ सर्विस है, तो आप लेकर के आराम से यहाँ खड़े होकर के आराम से खा सकते हो। एकदम क्लीन, हाइजीनिक, बहुत सही प्लेस है, एंड गर्मी भी लगती नहीं है बिल्कुल, आप आराम से खा सकते हो यहाँ पर आते हुए। तो लाइक मेरे को चस्का का एक बार बहुत सी लगता है, यहाँ के जो ओनर है डी जी जू, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब थोड़े टाइम ना हम लोग यहाँ पर आते हुए हो गए, पर वो लोग इतने अच्छे से बात करते हैं कि हम लोग बार बार यहाँ पे आने का सोचते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका बिहेवियर इतना अच्छा है। एंड सच बताऊँ तो लाइक बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोग लाइक ग्रो कर पाते हो, तभी आप लोग कस्टमर से कॉर्डिनेट कर पाते हो, जस्ट बिकॉज आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बस यही चीज़ है, एंड टेस्ट तो मैटर करता ही है। प्लस इनके जो प्राइस इतने चीपेस्ट हैं, लाइक बहुत ज़्यादा। हम लोग इतना सब कुछ खा रहे थे तब भी हमें लगता है कि यार बस इतना सही, तो प्राइस भी बहुत सही है, टेस्ट बहुत सही है, बिहेवियर बहुत सही है, और जगह भी बहुत सही है, हाइजीनिक है, एकदम साफ सुथरा है। तो जब इतना अच्छी चीज़ आपको मिल रही है तो भाई क्यों बैठे हो घर पे, आओ और ट्राई करो ना, मतलब भाई एक्सप्लोर करो चीज़ें, खाओ आकर के, एक बार विजिट करो। इफ़ अगर नहीं अच्छा लगता तब आप अपनी चॉइस है वो आपकी, बट एक बार ट्राई करना चाहिए, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। तो बाकी हम आपको अभी थोड़ी देर में ओनर से मिलवाते हैं एंड बात करवाते हैं, फिर उनकी चाप डिलीशियस सब आपको दिखाते हैं। तो मिलते हैं उससे थोड़ी देर में, बाय बाय। तो वो वाइट कार से ले करके वो रेड कार और वो आगे वाइट कार तक, यहाँ पे सिर्फ चस्का के दीवाने हैं। अभी हम थोड़ा सा लाइक जो दीदी हैं वो बिजी हैं, वो तो फ्री हो जाए तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं एंड फिर आपके उनसे बात करवाते हैं, ठीक है। भीड़ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे रात हो रही है, तो अभी हम लोग लाइक ओनर से नहीं मिल सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी है। बट आप लोग यहाँ पर आओगे तो आपको इजीली लाइक मिलने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रश हो गया है एंड जो दोनों ओनर हैं वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लाइक
बहुत ज़्यादा। वो भैया आप देख रहे हो ब्लू में, ये तो ओनर हैं और ये इनकी मिसेज है, दोनों हस्बैंड और वाइफ है जो यहाँ पे काम करते हैं एंड इनके साथ थोड़े से कोवर्कर है। मतलब बहुत सही एटमॉस्फेयर होता है यहाँ का, आप आओगे ना तो आपको लाइक ऐसा फील होगा कि हाँ बहुत सही जगह है। एंड अंदर आपको मैंने आपको पहले भी बताया था कि खड़े होके खाने का है, और ऊपर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा इनके नंबर भी है, और ये लाइक होम डिलीवरी वगैरह भी करते हैं। इफ़ आप इंदापुरम के तो आपके लिए ईजी रहेगा कि आप होम डिलीवरी वगैरह कर सकते हैं। सर चाप कॉर्नर के लोग हैं ये लोग, मतलब पार्टी वगैरह में मतलब वो भी करते हैं, अपनी केटरिंग भी करते हैं, केटर वगैरह का भी है। इफ़ आपको केटरिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ भी हो तो ऊपर नंबर दे रखे हैं, और जो केटरिंग शादी पार्टी बर्थडे वगैरह सब में करते हैं तो आप लोग इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस आज का व्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, कॉज बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मैं नहीं चाहती कि मैं उन लोगों को डिस्टर्ब करूँ, और हमें भी लेट हो रहा है तो हमें घर जाना है। बाकी अभी आप हम लोग मिलते हैं थोड़ी सी देर में, बाय बाय। गाइस हम लोग घर आ चुके हैं एंड अब हम आपको दिखाएंगे कि मेरी जो बेस्ट चाप है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, हमने सिर्फ चाप मलाई चाप और पनीर टिक्का लिया है क्योंकि लाइक ज़्यादा खाने का वो भी नहीं था, और रोटियाँ नहीं है वहाँ, रोटियाँ मतलब ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी। तो हम लोग आपको ओनर से नहीं मिलवा पाए बिकॉज आप देख सकते हो वहाँ पे कितनी भीड़ थी, पूरे व्लॉग में आपने देखा होगा भीड़ जमा ही होती जा रही थी। मतलब जैसे जैसे शाम होती जाती है सब लोग आते हैं एंड लाइक फेमस है भाई, आना तो पॉसिबल ही है, लाइक सबका आना पॉसिबल ही है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं दोबारा जाऊँ तो आप लोग को ओनर से ज़रूर मिलवाऊँ, बट जहाँ तक मैंने बोला आप मुझ पर ट्रस्ट करो, बहुत अच्छा है एंड आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी तो ऐसे ही व्लॉग्स के लिए कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर, माय चैनल हैज़ मच एज यू कैन डू एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। आप ऐसे ही सारे व्लॉग्स को सपोर्ट करते रहिए एंड कुछ भी कमी हो, कुछ भी लाइक मैं कहीं पर कुछ गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिए, बहुत ज़्यादा नीडेड है क्योंकि अभी मैं बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता कैसे क्या बनाना होता है। तो इफ अगर कुछ भी आपके लाइक उसमें है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ तो प्लीज़ बताइएगा एंड प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।